हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में, एलबीटी कंडीशन और नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में फ्रेंड्स। और आपको फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है फ्रेंड्स। उसके लिए हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जो कि लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी नोटिफिकेशन की, उसमें आप केयरफुली वीडियो को देखें और नोटिफिकेशन को स्वयं भी रीड करें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें फ्रेंड्स। वैसे आप न्यूज में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी इसका अपनर्स के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिफिकेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसको रीड करें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चाहते हैं फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो पाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप न्यू यूजर हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, सारी डिटेल फुल फिल करनी होगी और आपको आगे का प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो आपको लॉग इन करना होगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं न्यू यूजर। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा, आपको एप्लीकेशन साइन अप का ऑप्शन ये विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना होगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं आपको वो पासवर्ड फिल करना होगा। उसके बाद आप डीओबी यहाँ पे डालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन आप डालेंगे, जो फेवरेट मूवी है, फेवरेट बाइक है, जो भी आपका फेवरेट मोबाइल ब्रांड है, आप जो भी गेम है जो आप डालना चाहते हैं, फेवरेट कलर, फेवरेट पेट नेम, जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, एक कैप्चर कोड जो दिए गए हैं वो यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया मेल आईडी पर आपके पे चले जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना होगा, मेल आईडी डालना होगा। मेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड डालना होगा, लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो लाइव एप्लीकेशन हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको डैशबोर्ड के प्रोफाइल पे जाना होगा। प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको अपना प्रोफाइल कम्प्लीट करना होगा फ्रेंड्स। जैसे आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, एड्रेस वगैरह जो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा, अपना कोरोस्पोंडिंग और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको इससे क्लिक करना होगा। एज पर प्रेजेंट एड्रेस, कोरोस्पोंडिंग एड्रेस सेम, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद रिलीजन, आपको फ्रेंड आपको रिलीजन हिंदू सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी इंडियन। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालनी होगी, आपके पास और एडिशनल क्वालिफिकेशन तो आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन में आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। आपको मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी फ्रेंड्स, आप एसटी एससी ओबीसी जनरल जिस कैटेगरी से आपने, आपको वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया सर्विस या एक्स सर्विसमैन, यदि आप सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आईटीबीपी एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, आईटीबीपी। और फ्रेंड्स, आप प्राइवेट पीएसयू और अनएम्प्लॉयड है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स, आपको यहाँ देखने को मिलता है आप इन तीनों में से आप इफेक्टेड है तो आपको इनमें से जिससे आप इफेक्टेड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप नहीं है तो आपको नो इफेक्टेड बाई एनी ऑफ द अबव थ्री इनके अंदर नहीं है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना होगा फ्रेंड। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको यहाँ पे इमेज का ऑप्शन अपलोड करना होगा। आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी जो कि 30 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। जेपीजी फाइल में आपका फोटो होना चाहिए और आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए जो कि 15 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और आपको यहाँ पे टिक करना होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो कि यहाँ पे आपने जो 10th 12th जो भी अपने डॉक्यूमेंट डोमिशियल वगैरह है सारे यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
सब इंस्पेक्टर नर्स के लिए और यहाँ पे जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यहाँ पे देखिए आप नोट फुलफिलेड, तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिलेड नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं अपनी क्वालिफिकेशन अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पे मैं इस पे फिल कर सकता हूँ। स्टाफ नर्स के लिए आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे ऑप्शन चल स्टार्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स, अप्लाई पे क्लिक करूंगा। अप्लाई पे जैसे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन, तो आप देखेंगे उनको केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे आपको क्लिक, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका प्रीव्यू हो जाएगा, आपको केयरफुली रीड कर लेना है सारी डिटेल्स, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे आप नेक्स्ट पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सारी डिटेल्स को रीड करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको पेमेंट ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट से, नेट बैंकिंग, अदर क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पे इन ऑप्शन चूज करना होगा और इस पे क्लिक करना होगा। किस बैंक से आप करना चाहते हैं, यहाँ पे कैनरा बैंक, कर्नाटका, केरला ग्रामीण, बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया है। डेबिट कार्ड का है तो आपका वीजा, मास्टर, रूपे कार्ड से आप कर सकते हैं, ये वाला क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कार्ड नंबर फिल करना होगा, यहाँ पे मंथ डालना होगा, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, मेक पेमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। हम बात करेंगे इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपके जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 17 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट की 15/9/2022 लास्ट डेट रहने वाली है फ्रेंड्स। इससे पहले आप फॉर्म अपना फिल करते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करेंगे, टोटल 18 वैकेंसी, जनरल के लिए 11, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फॉर्म फिल करने के आप रिक्रूटमेंट itbp.nic पे जाके क्लिक कर सकते हैं। पे स्केल की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा, 35,400 बेसिक से 1,12,400 पर रहने वाला है फ्रेंड्स। बाकी आप डिटेल केयरफुली रीड करें। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एलबीटी कंडीशन, तो आपकी जो 21 से 30 साल की एज होनी चाहिए और 15 सितंबर 2022 लास्ट डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स आपकी 10+2 पास होना चाहिए, नर्सिंग से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्टर विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज नर्स में आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे मांगी गई है फ्रेंड्स। एज में छूट फ्रेंड्स, एसटी एससी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, एक्स सर्विस, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए तो 3 यहाँ पे साल की दी गई है, और बाकी ओबीसी के लिए 6 साल की, एसटी एससी के लिए 8 साल की, ऐसे यहाँ पे दी गई है, सिविलियन के लिए 5 साल की। सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका टेस्ट रहेगा पीएसटी रहेगा फ्रेंड्स। मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स तो आप उनके लिए 162 मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा। ओनली मेल कैंडिडेट के विदाउट फुलाई 77 होना चाहिए, सीना और फुलाक 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 82 होना चाहिए फ्रेंड्स। और जो कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की 150 मांगी गई है, 80-85 आपका सीना इसमें मांगा गया है फ्रेंड्स। ऑल अदर स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए 170 सेंटीमीटर, 150 फीमेल, 80-85 सीना मांगा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, टैटू वगैरह आपके होना नीचे। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए हम बता चुके हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के ₹200 एप्लीकेशन फीस रहेगी, बाकी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है फ्रेंड्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर चुके हैं, पहले स्टार्टिंग पीटीपीएसटी आपका होगा, उसके बाद जो कि वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर आपका थ्रू रहने वाला है। उसके अब जो डिटेल्स हैं आपकी फिजिकल पीईटी की वो यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट फेस आपका रहेगा जो मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस 16 सेकंड में और 1.6 किलोमीटर रेस आपकी 7 मिनट 30 सेकंड में दी गई है। फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में और 800 मीटर 4 मिनट 45 मिनट में आपको दी गई है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पीएसटी के लिए यहाँ पे आपको दी गई है सारी डिटेल्स। यहाँ पे फेस सेकंड रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रहेगा, 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइम, 100 मार्क कंप्यूटर बेस्ड आपका सीबीटी एग्जाम रहने वाला है फ्रेंड्स। सिलेबस की बात करें, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, इंग्लिश हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, ट्रेड प्रोपोजल रिलेटेड जो 60 क्वेश्चन 60 मार्क के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के और 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा फ्रेंड्स। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट सेकंड वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सारी डिटेल्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सभी आप इसमें देख सकते हैं। बाकी आपका जो रहेगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ देखेंगे, जिसमें वीवा बुक का 40 मार्क का, इंट्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन 30 मार्क का,
प्रोड्यूसर जो 30 मार्क टोटल शो का रहेगा, 50% मार्क मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको यहाँ देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। बाकी आप प्रीव्यू में मेडिकल वगैरह सोशाइल्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन।